अपने वन पसंद सॉन्ग को ब्यूटीफुल लेफ्ट हैंड पैटर्न्स के साथ कौन प्ले करना नहीं चाहता। और ऐसे ही आज से कुछ साल पहले मैं भी ऐसे ही लेफ्ट हैंड पैटर्न्स को प्ले करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पा रहा था। पर आज तो आप जानते ही हो, तो चलिए मैं ले चलता आपको मेरे उस स्ट्रगल वाले पीरियड में जहां पे मैंने इन तीन स्टेप्स को डिस्कवर किया। So, मेरा नाम है जश कोटावाला, आई एम अ प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो जब मैंने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड पैटर्न्स को प्ले करना, तो मैंने एक गलती की कि मैं उसे डायरेक्टली पैटर्न्स को प्ले करना मैं कोशिश कर रहा था, मतलब कि इस तरीके की कुछ, पर ये डायरेक्टली मैं लेफ्ट हैंड से प्ले नहीं कर पा रहा था। मतलब मैं लेफ्ट हैंड को साथ में ऐड कर रहा था तो मेरा लेफ्ट हैंड चल ही नहीं रहा था। उस टाइम मुझे पता था क्या गलती हो रही है, लेकिन मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था। मुझे पता है कि ये इस तरीके से जाना है, फिर कॉर्ड चेंज करना है, ये बीट में जाना है, लेकिन उसे मैं कर नहीं पा रहा था। एंड दैट इज हाउ द फर्स्ट स्टेप कम्स इनटू द पिक्चर, विच इज लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग। सो हियर इज माई फर्स्ट लेसन फॉर यू, जहाँ पे मैं आपको एक ही लेसन में छोटे छोटे लेसन और दूंगा, बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। देखिए क्या करना है, आपने मुझे बताया आपने स्केल्स का तो नाम सुना होगा राइट, शायद प्ले भी किया होगा। तो उसमें क्या करना है, जो आपने स्केल्स को सीखा है उसको आपको लेफ्ट हैंड से प्ले करना स्टार्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि हमने राइट हैंड में ट्रेनिंग ली है लेकिन लेफ्ट हैंड में कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो लेफ्ट हैंड को चलाने के लिए उसको पहले उसकी थोड़ी ऑयलिंग करनी पड़ेगी राइट। तो हमें लेफ्ट हैंड में स्केल्स प्ले करने, दिस इज फर्स्ट लेसन, इस तरीके से। और ये जो स्केल्स की PDF फाइल है उसकी भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब लेफ्ट हैंड की फिंगर पोजीशंस कौन सी लगानी है वो आपको उस PDF फाइल में मिल जाएगा, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, डोंट वरी, फ्री में अवेलेबल है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड में स्केल्स को प्ले करना है। माई सेकेंड स्मॉल लेसन ऑफ द फर्स्ट लेसन इज सॉन्ग्स को लेफ्ट हैंड से प्ले कीजिए, मतलब कि आप जो सॉन्ग राइट हैंड से सीख रहे हो उसी को लेफ्ट हैंड से प्ले कीजिए। क्योंकि राइट हैंड में फ्लुएंसी कैसे आई थी, कुछ एक्सरसाइजेस करके, कुछ सॉन्ग्स प्ले करके, तो हमें लेफ्ट हैंड में भी वही करना है। कुछ एक्सरसाइज के लिए हमने स्केल्स को देखा, सेकंड अब हमें सॉन्ग्स को प्ले करने, जो भी सॉन्ग आप सीख रहे हो उसको आप लेफ्ट हैंड से प्ले कीजिए इस तरीके से। मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे दो लेसन, अब एक लास्ट लेसन विच इज द मास्टर लेसन, मतलब इसको कर लो कि शायद इन दोनों को करने की भी शायद जरूरत ना पड़े। अब ये मैं आपको लेसन दूंगा, ये मास्टर एक्सरसाइज दूंगा, लेकिन उसके पहले कि सेकेंड स्टेप जो है ना वो टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन का है, मतलब कि अगर वो अगर हमने मिस कर दिया तो RPGs में जो हम टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन करते हैं, जो दोनों हाथों में अलग अलग चीज़ें चलती है राइट, ये इधर ये उधर, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंड स्टेप मिस किए बिना मर जाना, नहीं तो ये लेफ्ट हैंड को ट्रेन करने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। सो ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, हमें क्या करना है, अब ये देखो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। मैंने क्या किया, पहले जी प्ले किया, फिर सी प्ले किया, फिर अगेन जी प्ले किया, फिर सी के नेक्स्ट वाला नोट किया, फिर अगेन जी किया, देन उसके इसके नेक्स्ट वाला नोट किया, एंड अगेन जी किया, देन उसके नेक्स्ट वाला नोट किया। अब फिर से जी प्ले करूंगा तो कोई नोट बचेगा ही नहीं है, तो जी उसके पहले 1 2 3 4, ठीक है, जी के पहले 4 नोट को जाना, 1 2 3 4 और स्टार्ट करना। और देखिए ये जो जी के लिए हम थंब यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारे पास 4 उंगलियां बचेगी और 4 की बचेगी, तो एक की एक एक की के लिए एक एक उंगली हमारे पास है, ऑलराइट। फिर यही जी को हमें ए पे ले जाना है और ए से करना है, ए से 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये 4 उंगलियां। फिर बी से, इस तरीके से आपको करना है, लेकिन इसको मेट्रोनोम के साथ करना है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसकी स्पीड को आपको इंक्रीज करना है। तो अब आता है हमारा दूसरा पड़ाव, जहाँ पे मुझे समझ में आया कि देखो मैं लेफ्ट हैंड मेरा चल रहा है अच्छे से ट्रेन हो गया है, राइट हैंड अच्छे से चल रहा है, लेकिन जब तक ये दोनों हाथों में अलग अलग चीज़ें, मतलब ये कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होगा तब तक कुछ होने नहीं वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड को बोला कि भाई तू अलग जा, तू अलग जा, मतलब दोनों हाथों में जब अलग अलग चीज़ें चलेगी तब RPGs का असली कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, क्योंकि RPGs में लेफ्ट हैंड में पैटर्न्स चलती है और राइट हैंड में हमारे कॉर्ड्स चलते हैं राइट, तो इसीलिए हम ये दोनों हाथों में अलग अलग चीज़ें करेंगे। सो हियर इज माई सेकेंड लेसन फॉर यू, लेकिन सेकेंड लेसन में मूव करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बाद में नहीं यार अभी लाइक कर देना राइट।
सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड लेसन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो का. सो सेकेंड लेसन में हमें क्या करना है, हम लेफ्ट हैंड में कुछ नोट्स को प्ले करेंगे एंड राइट हैंड में कुछ और नोट्स को प्ले करेंगे. अब लेफ्ट हैंड के पहले नोट्स को देख लेते हैं. ये जो एक्सरसाइज है थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, मैं मानता हूँ थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन इसको कर लिया तो कोऑर्डिनेशन बहुत आसानी से और बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से आप इसको मास्टर कर लोगे. राइट, सो नोट्स को देखते हैं. सी एफ सी ई जी एफ डी ई. अब इसमें आप नोटिस करो तो आपको फिंगर पोजिशन याद रखने हैं, फिर नोट्स तो आप कोई भी की पे हाथ रखोगे उसके बाद नोट्स डिफाइन हो जाएंगे. राइट, इस तरीके से आपको करते रहना है. सो अब देखते हैं राइट हैंड के नोट्स. राइट हैंड में बहुत आसान चीज करनी, इतना डिफिकल्ट लेफ्ट हैंड जितना नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड हम थोड़ा सा इजी रखेंगे क्योंकि वो हमें आता है ऑलरेडी. राइट, तो उसमें ज्यादा दिक्कत हमें क्रिएट नहीं करनी है. हमें क्या करना है, इस तरीके की सिंपल एक्सरसाइज करनी है. क्या किया मैंने, 5 नोट पीछे गया, 5 नोट आ गया, सिंपल. 5 किया पीछे, फिर आगे गया, 3 नोट बचे उसको कर लिया. राइट, और लेफ्ट हैंड में था हमारा डिफिकल्ट थोड़ा सा है, 5 2 5 3 1 2 4 3 ये होगी लेफ्ट हैंड की. और राइट हैंड में 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4. पहले इसमें एक चीज ध्यान रखना कि पहले लेफ्ट हैंड को अच्छे से करना, उसके बाद राइट हैंड को अच्छे से करना, उसके बाद दोनों को साथ में कंबाइन करने की कोशिश करना. राइट, सो अब मैं दोनों को साथ में करने की कोशिश करूंगा. एक टिप देता हूँ इस एक्सरसाइज को करने के लिए, आपको ध्यान देना है सिर्फ लेफ्ट हैंड पे. ठीक है, लेफ्ट हैंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेफ्ट हैंड को देखिए, राइट हैंड अपने आप चलेगा क्योंकि राइट हैंड में हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है. धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक नोट, फिर और एक नोट आगे बढ़ेंगे. एंड देन बी पे, एंड देन लास्ट अगेन. पर अब मेरे लिए लेफ्ट हैंड पैटर्न प्ले करना मुश्किल जरा भी नहीं था क्योंकि मैंने ये कोऑर्डिनेशन डेवलप कर लिया, लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग कर लिया. फिर मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब खोला, लेफ्ट हैंड पैटर्न्स को सर्च किया एंड जो वीडियोस आए उसको मैंने देख कर लेफ्ट हैंड पैटर्न, मतलब इस तरह की आरपेजियो पैटर्न्स. राइट, इस तरह की पैटर्न्स को मैंने सीखा. और उस टाइम पे मैंने कौन से वीडियोस देखे थे मुझे याद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज मैंने उसी तरीके के और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना दिए हैं जहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड पैटर्न्स इजी से लेके मीडियम से लेके एडवांस लेवल की पैटर्न्स मैं यूट्यूब पे फ्री में सिखा रहा हूँ थ्रू दिस वीडियोज. राइट, तो आप उनको देख के लेफ्ट हैंड पैटर्न्स को सीख सकते हैं. कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया, लेफ्ट हैंड डेवलप हो गया, देन पैटर्न्स को सीख लीजिए एंड उसके बाद आप सॉन्ग्स को प्ले करना स्टार्ट कीजिए. लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड पैटर्न्स को सीखने के बाद उसके ऊपर आप एक बार स्केल्स को प्ले कर लीजिए और सारे कॉर्ड्स के ऊपर से ये एक बार पैटर्न को प्ले कर लीजिए. मतलब ए माइनर कॉर्ड से प्ले कर रहे हो, फिर एफ शार्प मेजर से भी करके देखिए, इस तरीके के सारे कॉर्ड से आप एक बार पैटर्न को प्ले कर लीजिए एंड देन आप सॉन्ग्स के ऊपर मूव कीजिए. तो आज का आपका लेसन ये है कि आपको मैंने जो वीडियोस बताए उन वीडियोस में से कोई भी एक दो पैटर्न्स को सीखना है, अपनी मनपसंद पैटर्न को सीखिए और उसको अपने मनपसंद सॉन्ग के ऊपर प्ले करने की कोशिश कीजिए. ये जो मैंने स्टेप्स बताए वो मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताया है. अगर आप चाहते हो कि इसको आप डिटेल में सीखें, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग की मैंने एक दो एक्सरसाइज बताई, कोऑर्डिनेशन की एक ही एक्सरसाइज बताई और पैटर्न्स के बारे में मैंने वीडियोस आपके लिए बताए, तो अगर आप चाहते हो कि हम ये सब कुछ एक ही जगह पे सीख ले, वन सिंगल शॉट, अगर एक ही बार में ये सब कुछ सीख ले, तो वो भी पॉसिबल है थ्रू आवर कोर्स विच इज कॉल्ड आरपीजीओ मास्टरी कोर्स. ये कोर्स पता है स्पेशली हमने आपके लिए बनाया ताकि आप आरपीजीओस को सीखने में थोड़ा भी स्ट्रगल ना करें. राइट, ये जो अलग अलग जगह पे वीडियोस को देख के सीखना होता है, मुझे पता है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है और थोड़ा सा भटक भी सकते हो, डिसिप्लिन लैक करते हैं, इसलिए हमने ये पूरा कोर्स बनाया है जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आरपीजीओस का मैं सब कुछ सिखाऊंगा. दैट विल इंक्लूड लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग, टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन,
you know, easy left hand patterns, advanced left hand patterns, how can you build your own left hand patterns, and कैसे suitable songs के ऊपर suitable arpeggios patterns को select करें, ये सब कुछ हम cover करेंगे इस course में. और ये course को complete करने में लगभग आपको 8 हफ्ते लगेंगे, लेकिन 8 हफ्तों के बाद आप भी मेरी तरह left hand patterns को play कर पाएंगे अगर आप इसको सही मायने में practice करते हो and अच्छे से time देते हो. This course is very affordable and plus it comes with a 100% money back guarantee and an exclusive community. ये जो community है वहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं and even आपसे better भी लोग हैं जो कि जिनसे आप connect करके आप और better तरीके से सीख सकते हो. मतलब जैसे संगत वैसे रंग है जैसा कहते हैं, right? तो आप इन लोगों के बीच में रहोगे तो आप भी जल्दी सीख पाओगे, अपने doubts को भी solve कर पाओगे. And इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है. ये जो स्क्रीन में राइट साइड के ऊपर मेरा जो बटन आ रहा है उसके ऊपर बस आपको क्लिक करना है. क्लिक करने पे वीडियो स्टॉप हो जाएगा और आप डायरेक्ट हमारे लैंडिंग पेज पे पहुंच जाओगे. सो क्लिक इट नाउ, एनरोल इन दिस कोर्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.